जाओ 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 नहीं 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 मारूंगी ना तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर अक्सर दोहराया जाता है, लेकिन इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ मौजूदा दौर के नाम निहाद इल्मी माहिरीन, या यूं कहिए कि जो खुद साख्ता मौलवी कहलाते हैं, इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए टीवी डिबेट में चले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर आपको टीवी डिबेट में जाने की जरूरत क्या है, जहां इस्लाम मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है। हासिल इत्तला के मुताबिक कुछ रुपयों की लालच में तो कुछ रुपये न मिले भी तो नाम तो होता ही है, तो इसी में वहां जाकर वो फजीयत कर लेते हैं, खुद तो जलील होते ही हैं, साथ में मुस्लिम समाज को भी बदनाम करके लौट आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गैर मुस्लिम औरतें इन्हें थप्पड़ तक जड़ देती हैं, और ये ऐसे ही नहीं होता, बल्कि ये कहानी पूरी स्क्रिप्टेड होती है। आजकल मुसलमानों को, इस्लाम को, दीन को, दीन अकाइद को बदनाम करने का ट्रेंड जोरों पर है। किसी ना किसी बहाने दो मौलवी नुमा लोगों को बिठाया जाता है, और यहाँ एंकर भी फिरका परस्त ज़हनियत का होता है। अगर कोई नाम निहाद एंकर मुसलमान का नाम भी है तो इसे मुसलमानों से दुश्मनी इंतहा की नजर आती रहती है, जो हकीकत नहीं है। इस पर सवाल जवाब करने लगते हैं, मतलब किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा कुछ फर्जी मौलाना होते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि जब चारों सिमत मुसलमानों को लेकर नैरेटिव चलाया जा रहा है तो वहां जाते क्यों हैं? अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है, किसी एक्स मुस्लिम को बुलाया जाता है, यानी वो पहले मुसलमान होता है, किसी जमात से जुड़ा होता है, फिर वो अपना मजहब छोड़कर दूसरा धर्म इख्तियार कर लेता है। उसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ा, फिर वह पता नहीं कहां से कुछ दलील लाकर समझाने भी लगता है। आजकल जन्नत दोजख, फिर जन्नत में 72 हूरों का जिक्र, कुल मिलाकर इस्लाम के अरकान अकाइद पर हमले करना, यही अब टीवी डिबेट में रह गया। आप कोई भी चैनल ओपन करो, आपको मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों के रहनुमा मुगल बादशाह, इसी पर बहस देखने को मिलेगी। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अब 72 हूरे, गोदरा, इन फिल्मों के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की मुनज्जम कोशिश जारी है। दरअसल मुसलमानों में यूं कहिए कि मुसलमानों की जितनी बड़ी तंजीम इदारे हैं, जमातें, मसलक, इनमें इत्तेहाद न होने की वजह से मामला और भी उलझता जा रहा है। कौन कहां का इस्लामी स्कॉलर है मालूम नहीं रहता। बाज़ औक़ात तो खुद ही न्यूज चैनल कहीं से तो फर्जी स्कॉलर बना लाते हैं। मुसलमानों से एक्स मुस्लिम मिल जाते हैं, लेकिन क्या कोई एक्स हिंदू इन्हें नहीं मिलेगा? हरगिज नहीं, क्योंकि इन्हें एक ही समाज को टारगेट करना होता है, जिसके लिए कहीं से इस तरह के लोग टीवी डिबेट में लाए जाते हैं। जो भी नाम निहाद फर्जी इल्मी माहिरीन जाते हैं, इनसे राब्ता कायम करें, इन्हें किसी भी टीवी डिबेट में न जाने का हुक्म दिया जाए। अगर किसी मदारिस या तंजीम इदारे जमात से कोई जा रहा है तो उन्हें रोक दिया जाए, क्योंकि जो टीवी एंकर बैठा है वो पहले से ही एक ज़हनियत से मुतासिर है, और आप कितनी भी सही दलील देने की कोशिश करो आपको गलत ही साबित करके ही रहेगा। लिहाजा इसका सीधा हल ये है कि पहले तो कोई भी टीवी डिबेट में न जाए, दूसरा हल ये है कि पहले अपने लोगों को उन बातों से आगाह करो। क्यों हमने मौजूदा दौर के मसाइल को लेकर आज के नौजवानों को आगाह नहीं किया? जब सोशल मीडिया का दौर है तो हमने कितने सोशल मीडिया के जरिए चलने वाले नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश की? हमारे लिए सबसे बेहतरीन मीडिया मस्जिद है। अल्लाह के रसूल ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है, हमारे लिए हर तरह के रास्ते बताए हैं, लेकिन हम है के बजाय उन रास्तों पर चलने के, दुश्मनों की साजिशों पर गौर करने तक की फुर्सत नहीं है। हमें किसी के मजहब धर्म को गलत साबित करना नहीं है, और ना इसकी कोई जरूरत है। मुल्क का संविधान हमारे लिए बेहतरीन हल है। लिहाजा मस्जिदों से जिन गलत प्रोपेगेंडों को फैलाया जा रहा है, इसका तबसरा करे। गैरों को समझाने से पहले अपने लोगों को तो समझाए। इस दौर के साजिशों से आगाह करे। मस्जिदों में इस दौर के अबू जहल, अबू लहब पर तस्करा करे। टीवी डिबेट में जाकर अपनी फजीयत करने से पहले अपनों को जोड़ने की कोशिश करे। लेकिन हमारा मामला ही उल्टा है। उम्मत का एक बड़ा तबका आगे पीछे किसी वीडियो को समझने से पहले उसे फॉरवर्ड कर दुश्मनों की साजिशों को कामयाब करने में खुद उसका हिस्सा बन जाता है, और पीछे भी नहीं रहता। मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम की हकीकत को सामने रखे। दावत देना मुसलमान का काम है, किसी में शक व शुबात है तो दूर करे, लेकिन कोई पहले से ही झगड़े की नीयत से बहस करने के लिए बैठा है तो वहां बचना जरूरी भी है। हमेशा के लिए नहीं, बल्कि वक्त आने पर दावत का काम जरूर करना है। तभी तो इतनी तमाम दुश्मनों की साजिशों और चारों तरफ से हमले के बावजूद आज भी दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन जहां दीन का मजाक उड़ाया जा रहा हो, ऐसे महफिलों से बचे। कुछ आधे अधूरे ज्ञान वाले बड़प्पन या फिर उन्हीं प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर डिबेट में जाकर इस्लाम के मजाक का हिस्सा बनते हैं। कुछ मुनाफिक भी मौजूद हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम
गैरों की जी हुजूरी करेंगे तो शायद इन्हें बड़े ओहदे मिल सकते हैं, और इसी लालच में इस्लाम पर हंसी मजाक उड़ाते हुए देखा जाता है। डॉक्टर रिजवान नाम का जाहिल भी मिलेगा जो भाजपा संघ की चाटने में फक्र समझता है। इसी तरह कई टीवी एंकर जहां भी मौका मिले इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। न्यूज 18, नवभारत टाइम्स, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, जब भी मुंह खोलेंगे इस्लाम या दीनी मजहबी मुस्लिम लीडरों के खिलाफ ही खोलेंगे। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, जिस औरंगजेब को लेकर उन्हें देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी बनाने की कोशिश जारी है, अगर तारीख के औराक पलट कर देखेंगे तो औरंगजेब के दौर में भारत में सोने के सिक्के हुआ करते थे, मतलब अमीर मुल्कों में भारत हुआ करता था। इसी तरह टीपू सुल्तान के बारे में तो क्या कहना, जो टीपू के मुखालिफ हैं वो दरअसल इस देश के विरोधी हैं, क्योंकि टीपू का विरोध करने वाले ही तो अंग्रेजों के गुलाम थे। टीपू ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बल्कि मशहूर जुमला जिसे बार बार दोहरा कर बुजदिल को भी बहादुर बना दिया जाता है, 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी, अब बहादुरी उन्हें क्या मालूम जो इस मुल्क की अजमत के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा था। आज ऐसे माफी वीर ही टीपू जैसे अजीम बादशाह पर ही उंगली उठाने की घटिया जरूरत कर सकते हैं। अब तो और भी आगे बढ़ते हुए अल्लामा इकबाल को भी निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ फौज में भी अल्लामा इकबाल की नज्म सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई जाती है। अब उन्हें अल्लामा इकबाल भी देशद्रोही लगने लगा है। कभी नबी की तालीमात से इन्हें एतराज, कभी कुरान की आयतों से एतराज, कभी टीपू अल्लामा इकबाल मुगलों से इन्हें नफरत। आज पूरे देश में मुगलों की इमारतों को देखने के लिए दुनिया से सैलानी आते हैं, करोड़ों की आमदनी इन्हीं मुगलों की विरासत से हासिल है। अगर इतना ही नफरत है तो इन इमारतों को गिरा दिया जाए। लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों के हर उस चीज से संगियों को नफरत होती दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद फिर से उत्तर भारत में तहरीक को तेज किया जा रहा है, उत्तरांचल में तो मुसलमानों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लिहाजा इस वक्त में मस्जिदों से असल हकीकत को बयान कर अपनों के जहनों को पोख्ता बनाएं। अगर कोई फिरका पर जानबूझकर तुम्हें छेड़ने के लिए तलाक, हिजाब, जन्नत पर तबसरा करने की कोशिश करे तो कम से कम हमें तो सही इल्म हो, बहस को तो बाद में देखा जाएगा, साथ में किसी डिबेट का हिस्सा बनने से भी बचे। लिहाजा खासकर टीवी डिबेट में अपना ज्ञान बांटने की कोशिश न करें, क्योंकि वहां पहले से ही तुम्हारे खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया है। आखिर ये फर्जी मौलाना क्यों जाते हैं और आते कहां से, जहां मुसलमानों को बदनाम करने की सोच पहले से ही तैयार है। जो भी जाकर फजीहत करा रहे हो सकता है कुछ रुपये या नाम हासिल हो, लेकिन जो जिल्लत तुम्हारे वजह से हो रही है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि दीन बेशकीमती है और दीन तमाम इंसानियत की फला बहबूदी के लिए है। और वैसे भी किसी को भी किसी और के मजहब के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए और उसे कोई हक भी नहीं है। और ये भारत के संविधान ने ही तय किया हुआ है, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, गायब पर, उसी तरह जन्नत दोजख जन्नत की नियामतों पर भी हमारा ईमान है। इस पर किसी और को तबसरा करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे ईमान का हिस्सा है वो है, लेकिन आपके ईमान पर डाका उस वक्त शैतान नहीं डाल सकता जब तक तुम्हारा ईमान पोख्ता नहीं हो सकता। और ईमान पोख्ता तब होता है जब दीन की समझ और उसकी मोहब्बत तुम्हारे रगो पै में पैवस्त नहीं होती। ये दौर फितन है और फितने बारिश की बूंदों की तरह बरसेंगे। ये वही दौर है जहां सुबह शाम ईमान का इम्तिहान होता है। लिहाजा हम सभी को, आपको किस गिरोह का हिस्सा बन रहे हैं खुद ही अपने अंदर की कैफियत को टटोलने की जरूरत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।